अगर आप लोग शॉर्ट्स बनाते हो और अगर आप लोग की शॉर्ट वायरल नहीं हो रही है तो आज मैं आप लोग को बेस्ट टाइम बताने वाला हूँ शॉर्ट्स अपलोड करने का। तो अगर आप लोग इस टाइम पर अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करोगे अपने चैनल पर तो आपकी भी शॉर्ट वीडियो वायरल होगी, क्योंकि शॉर्ट अपलोड करने का एक टाइम होता है। जो बड़े बड़े क्रिएटर आप लोग देखते होंगे, जिनके आप लोग शॉर्ट को फॉलो करते होंगे, जिनके शॉर्ट पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं, तो सारे क्रिएटर इसी टाइम पर अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं, तभी इनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं और इनके लाखों में मिलियन में व्यूज आते हैं। तो आप लोग भी शॉर्ट वायरल कर सकते हो, लेकिन आपको एक बेस्ट टाइम पता होना चाहिए अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने का। तो आज मैं आपको बेस्ट टाइम बताने वाला हूँ, जिस टाइम पर आप लोग अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करोगे तो आप लोग भी अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कितनी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करनी चाहिए, यानी कि आपको एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग एक दिन में एक शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, कुछ लोग एक दिन में दो दो शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, कुछ लोग एक दिन में चार चार शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और कुछ लोग तो अल्टरनेट डे पे अपलोड करते हैं। तो आज मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं कि जैसे अगर यहां पर हम तीन कैटेगरी को पकड़ के चलेंगे, ठीक, ज्यादातर लोग इन्हीं तीन कैटेगरी पे शॉर्ट चैनल बनाते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी होगी फैक्ट्स, तो अगर आप लोग का फैक्ट्स रिलेटेड चैनल है तो आपको कितनी शॉर्ट वीडियो डालनी चाहिए और किस टाइम पे डालनी चाहिए। दूसरा, अगर आप लोग कॉमेडी से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपको कितनी शॉर्ट अपलोड करनी चाहिए और किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए। और तीसरा, अगर आप लोग का टेक कैटेगरी का शॉर्ट चैनल है तो आप लोग को कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए और किस टाइम अपलोड करनी चाहिए। और यही तीन कैटेगरी हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा लोग इन्हीं तीन कैटेगरी के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। फैक्ट वाले जैसे कि हो गए, जैसे किसी दूसरे का वीडियो यूज करके उसमें अपनी वॉइस ओवर करते हैं, ज्यादातर ये फैक्ट वाले होते हैं। और टेक में आप लोग जैसे यूट्यूब की टिप्स दे सकते हो या कोई मोबाइल के बारे में बता सकते हो, अनबॉक्सिंग कर सकते हो, कोई वेबसाइट के बारे में बता सकते हो, टेक हो गया और कॉमेडी तो आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर मैं तीन कैटेगरी भी आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइम पर शॉर्ट अपलोड करना चाहिए और कितने शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कैटेगरी दिखा देता हूँ, ठीक। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो फैक्ट वाली, यानी कि अगर आप लोग का फैक्ट से रिलेटेड चैनल है। अब फैक्ट से रिलेटेड आप लोग चैनल जैसे कि वॉइस ओवर करते होगे, जैसे किसी दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके उनकी आवाज को म्यूट करके आप लोग ऊपर से वॉइस ओवर करते होगे, यानी कुछ फैक्ट्स बताते होगे, तो इस टाइप का अगर आप लोग का चैनल है तो यहाँ पर मैं पहले आपको एग्जाम्पल के लिए एक दो चैनल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक चैनल को सर्च करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो एक चैनल आप लोग यहाँ पर देखिए, सर्च कर, ये चैनल है, इस पर सब्सक्राइबर देखिए 97.3 लाख सब्सक्राइबर है। तो आप लोग नाम पे मत जाइए, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लेके चलता हूँ। तो ये इसी टाइप का शॉर्ट बनाते हैं, देखिए यहाँ पर फैक्ट्स रिलेटेड मैं आपको मोस्ट पॉपुलर में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 8.4 करोड़ व्यूज देख रहे हैं आप लोग, आपको 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ व्यूज की जरूरत होती है आप लोग को शॉर्ट मोनेटाइज कराने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है शॉर्ट चैनल भी अब मोनेटाइज होना चालू हो गए। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, क्योंकि आज ही अपडेट आया यूट्यूब की तरफ से। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले चैनल पर जाकर वो वाली वीडियो देख लीजिए, इसके पहले ही मैंने आज ही अपलोड करी है। तो शॉर्ट चैनल मोनेटाइज होना चालू हो गया आप लोग को पता ही है। तो मोनेटाइजेशन के लिए आपको अपने चैनल पर लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ व्यूज लाना होगा। और यहां पर देखिए भाई के 8.4 करोड़ व्यूज, ठीक है, 6.1 करोड़ व्यूज। तो ये इनका फैक्ट वाला चैनल है, इसी टाइप की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इनका कंटेंट इसी टाइप की वीडियो बनाते हैं। आप लोग देखिए वो फैक्ट्स रिलेटेड किसी और का कंटेंट क्या कहते हैं डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उनकी जो वॉइस होती है उसको म्यूट करके यहाँ पर वॉइस ओवर करते हैं, ठीक। एक ये चैनल हो गया, आपको मैं एक और चैनल दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को और आइडिया लग जाए, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये सारे लोग इसी टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं। और कितनी वीडियो अपलोड करते हैं मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और चैनल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और आइडिया लग जाए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी क्या करते हैं, ये भी इसी टाइप का शॉर्ट चैनल, इनका भी फैक्ट से रिलेटेड और ये भी फैक्ट वाली ही वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, और इनके रिसेंटली व्यूज देखिए 7.6K व्यूज, 4.6K व्यूज, 10K व्यूज। अगर हम मोस्ट पॉपुलर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1.4 करोड़ व्यूज, 89 लाख व्यूज, 87 लाख व्यूज, देख रहे हैं आप लोग, और ये फैक्ट से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लोग का इस टाइप का चैनल है तो आपको करना क्या है कि आपको एक दिन में दो वीडियो हो सके तो अपलोड करो, क्योंकि इस टाइप के चैनल पे आपको ज्यादा मेहनत तो लगती नहीं, क्योंकि आपके पास कंटेंट ऑलरेडी होता है, आप लोग वीडियो किसी डाउनलोड करके रखते ही हो, केवल आप लोग को वॉइस ओवर करना होता है। तो अगर आप लोग का फैक्ट वाला चैनल है यानी कि वॉइस ओवर वाला चैनल है तो आप लोग एक दिन में दो वीडियो अपलोड कर सकते हो, दो शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो। अब किस टाइम पे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो बड़े बड़े जो ज्यादातर क्रिएटर है वो करते क्या है, दो ही टाइम पे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, या तो मॉर्निंग के 8 AM यानी कि सुबह के 8 बजे अपलोड करें,
करेंगे या तो रात में 10 बजे, क्योंकि ये दो टाइम होते हैं, इसी टाइम पे ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होती है और आप लोग के शॉर्ट जो वायरल होने का टाइम होता है यही बेस्ट टाइम होता है जिस टाइम पर आप लोग शॉर्ट वीडियो वायरल कर सकते हो। तो हो सके तो आप लोग दो वीडियो डेली यूज करो, दो वीडियो डेली अपलोड करो, और आपको दो टाइम अपलोड करना है, एक आप लोग सुबह 8 बजे अपलोड कर दो, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम, और एक आप लोग रात में 10 बजे अपलोड कर सको। हो सके तो 11 बजे के पहले पहले रात में अपलोड कर देना और 10 बजे तो बिल्कुल अपलोड कर देना, ठीक है, एक दो मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग इन दो टाइम पर अगर अपने शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे, और अगर आप लोग का इस टाइप का चैनल है फैक्ट वाला, तो दो वीडियो आपको डेली डालना है, और एक आप लोग को सुबह अपलोड करना है, एक शाम को 10 बजे अपलोड करना है, ठीक है, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 10 बजे, और इस टाइम से काम करोगे तो देखना आप लोग को 15 से 20 दिन में आप लोग को फर्क दिखेगा, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और आपकी देखना वीडियो वायरल हो जाएगी 100%। तो ये पहली कैटेगरी थी जो लोग फैक्ट रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम दूसरी कैटेगरी लेके चलते हैं, जो लोग टेक रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग इनको जानते होंगे, ठीक है, टेक बर्नर शॉर्ट्स, इनको जानते होंगे, इनका एक शॉर्ट चैनल है जिस पर ये शॉर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो अगर आप लोग का इस टाइप का चैनल है, आप चाहे तो यूट्यूब टिप्स भी दे सकते हो या कोई वेबसाइट के बारे में बता सकते हो। यहाँ पर देखिए टेक बर्नर का चैनल है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं मोबाइल के बारे में बताते हैं। मैं आपको एक और चैनल दिखाते हूँ जो वेबसाइट से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप लोग चैनल देख लीजिए, यहाँ पर ये भी इसी टाइप की वीडियो ये भी बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए एक नया चैनल है, वो टेक चैनल है एकदम नया है, और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लेके चलता हूँ, ये भी देखिए इस टाइप का इनका कंटेंट है, ये भी देखिए यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर वीडियो बना रखी है, ठीक, और नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर, और इन्होंने देखिए सौरभ जोशी के बारे में कुछ बता रखा है, तो इस तरह से यहाँ पर भी इनका टेक रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आप लोग का चैनल, यानी कि अगर आप लोग का टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो इस टाइप के वीडियो पर आप लोग को टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको पता ही है, पहली बात तो इसमें आपको फेस दिखाना पड़ता है, ठीक पड़ेगा, तो इसके लिए टाइम तो लगता ही है, 1000 बार देखना पड़ता है कि हाँ लुक सही आ रहा है कि नहीं, कैमरे में कैसा लग रहा है, एंगल सब चेक करना पड़ता है, उसके बाद इसमें आपको एडिटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग को बीच बीच में हर चीज में क्या कहते हैं इफेक्ट डालना पड़ता है, लेयर चेंज करना पड़ता है, फोटो को ट्रांसफर करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती। तो अगर आप लोग का टेक्स रिलेटेड चैनल है, तो आप लोग एक दिन में एक शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है, एक दिन में एक शॉर्ट्स अपलोड करो, वो भी अच्छे से उसकी एडिटिंग करो, और आपको जो मैंने टाइम बताया वही दो टाइम अपलोड करना है, एक सुबह या तो 8 बजे अपलोड कर सकते हो, या तो रात में 10 बजे अपलोड कर सकते हो, और एक शॉर्ट्स आपको डेली अपलोड करना है अपने चैनल पर। अगर आप लोग का टेक्स रिलेटेड चैनल है तो टेक वाली वीडियो बनाते हो, तो आप लोग एक शॉर्ट डेली अपलोड करो, या तो सुबह 8 या तो रात में 10। तो अगर आप लोग ऐसे काम करोगे तो आप लोग का देखना चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा और 100% 10 से 15 दिन में आपको फर्क दिखेगा। तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी जो टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं तीसरी कैटेगरी में जो कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे शॉर्ट में ज्यादा जो ट्रेंडिंग सेक्शन में आते हो कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस टाइप का चैनल है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पर कौन से, जैसे आप इनको जानते होंगे बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत इनका वायरल चैनल, यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कहा सर्च कर लिया, ये देखिए इनको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, ये देखिए देखिए कितने सब्सक्राइबर 1.21 करोड़ देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ शॉर्ट में, और इनके हर वीडियो पर देखिए इन्होंने रिसेंटली डाल रखी है 58 लाख, 41 लाख, 41 लाख, 1.1 करोड़, इनके तो 3 से 4 दिन में ही मोनेटाइजेशन कुछ क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। तो इस तरह से इनका चैनल है, और कॉमेडी चैनल है आप लोग का, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि कॉमेडी चैनल पर आप लोग को टाइम भी देना पड़ता है, एडिटिंग भी देनी पड़ती है, और इसमें आप लोग को अच्छे से स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के आप लोग कॉमेडी वीडियो नहीं बना सकते। इन भाई को देख ही रहे हो, ये हर वीडियो में इनकी स्क्रिप्टेड होती है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से ये शूट भी करते हैं, उसको एडिट करते हैं, और स्क्रिप्टिंग भी इसकी अच्छी करते हैं, क्योंकि शॉर्ट चैनल आप लोग जानते हो 30 से 40 सेकंड की आपको वीडियो बनानी होती है, और 30 से 40 सेकंड में आपको पूरा एकदम जी जान लगाना होता है, 1-1 सेकंड आप लोग का कीमती होता है शॉर्ट को वायरल करने में, तो इसीलिए 1-1 सेकंड में अपना पूरा मेहनत करते हैं। तो अगर आप लोग का इस टाइप का चैनल है कॉमेडी से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियो बनाते हो, मैं आपको एक चैनल और दिखा देता हूं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, यहां पर शॉर्ट्स ब्रेक, आप इनको भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, यही बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, ठीक है, इनको मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चैनल है शॉर्ट ब्रेक, इनको भी आप जानते हो कम वाली भाई कितना फेमस है, तो ये भी यही करती है, इनके भी आप लोग सब्सक्राइबर देख लीजिए, शॉर्ट पर इनके भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 1.4 करोड़ व्यूज केवल 4 दिन के अंदर। तो अगर आप लोग का इस टाइप का चैनल है, अगर आप लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हो, तो आप लोग काम कर सकते हो, क्या कहते हैं अल्टरनेट वीडियो अपलोड कर सकते हो, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल सकते हो, यहाँ पर आप लोग को डेली डालने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, और आप लोग को स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी हर वीडियो में आप लोग को स्क्रिप्टिंग दिख जाती है, स्क्रिप्टिंग साथ साथ प्रोफेशनल शूट करते हैं, एडिट करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से इनका चैनल देखिए यहाँ पर हर की वीडियो कितनी प्रोफेशनल तरीके से शूट हुई होती है। तो अगर आप लोग का कॉमेडी से रिलेटेड चैनल है, यानी कि अगर आप लोग कॉमेडी टाइप की वीडियो बनाते हो, तो आप लोग अल्टरनेट वीडियो अपलोड कर सकते हो, टाइम मैंने आपको बताया जो दो टाइम बताया उसी टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करनी है, चाहे आपका क्या कहते हैं फैक्ट से रिलेटेड चैनल हो, चाहे टेक्स से रिलेटेड चैनल हो, चाहे कॉमेडी, चाहे किसी भी टाइप का चैनल हो, अगर आप लोग एक वीडियो बनाते हो
तो सारे दिन भी या तो सुबह 8 बजे अपलोड करो तो 10 बजे अपलोड करो, और अगर आप लोग दो वीडियो बनाते हो तो सुबह भी अपलोड करो और शाम को भी अपलोड करो 10 बजे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करोगे अपने YouTube चैनल पर तो देखना 15 से 20 दिन में आपके चैनल पर फर्क दिखेगा, आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी 100%, क्योंकि इसी टाइम पर ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होती है। और इस तरह से अगर आप लोग काम करोगे तो आप लोग भी 2023 में अपने शॉर्ट चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे, अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, क्योंकि 2023 में शॉर्ट चैनल मोनेटाइज होना चालू हो गए। आप लोग को पता है आज ही YouTube की तरफ से ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, 1 फरवरी 2023 से सारे शॉर्ट चैनल जो भी मोनेटाइज होंगे उनको वहां से अर्निंग मिलना चालू हो जाएगी, यानी कि जो भी उनकी शॉर्ट वीडियो है उस पर एड भी आएगी, उसका उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो आप लोग भी शॉर्ट पर काम करना चालू कर दीजिए। तो इस तरह से आपको अपने चैनल पर काम करना है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे नई नई कंटेंट और हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।